के नाते से यहाँ पर आपके बीच खड़ा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 5 साल पहले मैं जॉर्डन गया, अम्मान गया और वहाँ पर डेड सी के किनारे 50,000 जो फिलिस्तीनी इकट्ठे हुए थे और फिलिस्तीनियों के समर्थन में दुनिया भर से लोग आए थे, उनको मैंने संबोधित करते हुए गांधी जी का यही सेंटेंस वहाँ पर दोहराया था और उसकी ज़बरदस्त लोगों ने उसको मतलब खुशी मनाई। उसके बाद वहाँ के जो फिलिस्तीनी नेता थे वो चाहते थे कि मैं वहाँ पर 3 महीने 6 महीने रह करके गांधी जी के तरीके से कैसे लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाए अहिंसात्मक तरीके से, वो चाहते थे। मैंने कहा मैं इतना वक्त तो नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग कुछ शुरू कीजिए तो बीच बीच में मैं आ सकता हूँ। बहरहाल उसमें तो कोई आगे बात नहीं हुई, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़े होकर के ये बात साफ करना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप केवल फिलिस्तीनियों के लिए खतरा नहीं है, वो पूरी दुनिया की शांति के लिए, अमन के लिए, इंसाफ के लिए खतरा है। अभी तो उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा किया नहीं है और अभी से उनके सारे पैंतरे एक एक करके जो सामने आ रहे हैं, तो मैं तो वो शायर के शब्दों में कहूँगा, इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी इसका नज़ारा शुरू हुआ है, एक एक करके वो जो भी अपने दिखा रहा है पैंतरे, वो सारी दुनिया को चौपट करने की तरफ ले जा रहा है। और हिंदुस्तान की हमारी सरकार को जरा भी किसी भी तरीके के गफलत में नहीं रहना चाहिए कि जब उसने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के तौर पर हिंदुस्तान की तारीफ करके इसको तो बहुत बड़ा पावर बता दिया और चीन के खिलाफ और रूस के खिलाफ उसने सबको इकट्ठा होने के लिए, ईरान के खिलाफ उसने इस प्रकार की बातें की है। यदि हम गलती से भी उसके बिछाए हुए जाल में फंसते हैं तो जो तबाही पाकिस्तान की हुई है जियाउल हक के ज़माने में, उस तरीके के जाल में फंस करके जो पाकिस्तानी हुकूमत ने जो फैसला किया, आज तक उससे बाहर नहीं निकल पाया पाकिस्तान। और वही पाकिस्तान को धमकी दे रहा अमेरिका, अमेरिका की कोई ईमानदारी सच्चाई बनती नहीं है पाकिस्तान को धमकी देने की, क्योंकि जो कुछ आज पाकिस्तान के नाम से दहशतगर्दी का आलम दुनिया में है वो सारा का सारा अमेरिका का पैदा किया हुआ है। और ये सारा का सारा ISIS का भी सारा पैदा किया हुआ अमेरिका का है और अमेरिका के उन दोस्तों का है जिन्होंने ISIS को पहले अपनी पनाह दी और उसको ट्रेनिंग दी। जिस समय इसराइल के कब्जे में वेस्ट बैंक के लोग और सारे गरीब फिलिस्तीनी आवाज़ उठा रहे थे, उस समय हमारे सऊदी अरब के हुक्मरान अमेरिका की परस्ती कर रहे थे, हमारे फिलिस्तीनियों की नहीं कर रहे थे। इजिप्ट नहीं कर रहा था उस समय, वो अमेरिका की कर रहा था। मैं बड़ा हैरान था कि जिन अरबों के हवाले से हम फिलिस्तीनियों का सहारा दे साथ देना चाहते, वो अरब बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो फिलिस्तीनियों का साथ नहीं दे रहे, वो बल्कि अमेरिका का साथ दे रहे। अमेरिका का मतलब इसराइल का साथ दे रहे। तो ये इस तरह की गंदी राजनीति जो है वो पूरे दुनिया को बिगाड़ रही, ख़त्म कर देगी। ये सारा जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ हुआ इराक के ऊपर हुआ, लेबनान पर, सीरिया पर, जो कुछ हुआ है, हम सब लोग देखते हुए भी अमेरिका के जाल में फंसते जाते हैं। और अमेरिका का जाल है उसका डॉलर, वो डॉलर फेंकता है और फिर सबके साथ वो इस तरीके से पेश आता है और वो ब्लैकमेलिंग करता है। अब वो कह रहा है कि मैं बिलियंस मिलियंस एंड बिलियन डॉलर देता हूँ, एक एक का नाम मैं लेकर के बताऊंगा कौन मेरे खिलाफ वोट करने जा रहा है। खुले आम निक हेली जो है वहाँ बैठ करके ये धमकी दे रही है अमेरिका की एम्बेसडर, और लोग सुन रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। उन्हें थूकना चाहिए अमेरिका के डॉलरों के ऊपर, खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए नहीं चाहिए तुम्हारे डॉलर, ले जाओ अपने, हम अपने इज्जत को, स्वाभिमान को इस तरह तुम्हारे डॉलरों के पास बेच नहीं सकते। यदि हिम्मत है, कोई गैरत पसंद मुल्क है, तो उनको आगे बढ़कर की ये बात कहनी चाहिए, वरना उनके डॉलरों की भीख के आप लाइन में खड़े हुए और फिर आप उनसे ये बातें सुनते रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारे पैसे बंद करा दूंगा, जैसे यूनाइटेड नेशंस उसकी बाप की कोई जागीर हो। सारे यूनाइटेड नेशंस के फैसले थे कि इराक में कोई किसी प्रकार का कोई बम नहीं बनाया जा रहा, सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो भी आरोप लगाए सारे झूठे थे, लेकिन उसके बावजूद बुश ने फैसला किया हमने हमला करना और कर दिया, एक तरफा यूनिलेटरल कर दिया, दुनिया कुछ नहीं कर सकी।
मुझे लगता है कि दुनिया के जो सारे हुक्मरान बैठे हुए हैं ये सब कहीं ना कहीं डॉलर के बोझ में दबे हुए हैं, बिके हुए हैं। और ये बिके हुए लोगों से कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि इंसाफ की लड़ाई लड़ सकें। आज हमको और आपको, हम चाहे गरीब हों कितने ही गरीब हों, लेकिन हम इज्जत पसंद और इंसाफ पसंद लोग, इस तरीके से हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, भेड़ बकरी नहीं बनाया, किसी के तलवे चाटने के लिए नहीं बनाया। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह की इबादत करनी है तो सच्चाई से करो, ईमानदारी से करो, दो नाटक मत करो। और सारी दुनिया के लोगों से कहता हूँ, इंसाफ के रास्ते चलना ही सबसे बड़ी इबादत है, सच्चाई के रास्ते चलना ही इबादत है। और यदि सच्चाई के साथ समझौता करते हो और उसके बाद आप ये पूजा और वो पाठ और वो मंदिर और वो मस्जिद और वो नमाज, उसका कोई मतलब नहीं। दोस्तों और साथियों, अभी मैं हमारे एम्बेसडर साहब जिक्रुर रहमान साहब की बात सुन रहा था और आप लोग भी उसकी तस्दीक कर रहे थे, जमात इस्लामी हिंद भी और जमीयत उलेमा हिंद भी, कि आप लोग ये करेंगे वो करेंगे, मतलब फ्राइडे को, जुम्मे को। मुझे थोड़ा सा डर लगता है, यदि आपने इसको इस्लामी मुद्दा बनाया और आपने जैसे फरमाया कि वहाँ पर भी हज की तरह जाना चाहिए, ये है वो है, तो ये